आउज़ु बिल्लाह मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में आपके साथ 11th क्लास की फिजिक्स के जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो शेयर करूंगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 10 to 15 ईयर्स के पास पेपर का एनालिसिस करके मैंने देखा है ये सवाल जो मैं आपको बताऊंगा बार बार हर साल में हर बोर्ड में रिपीट होते हैं एक्सरसाइज वाले, और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियो मैं अलहदा से बना दूंगा। इस वीडियो में आपके साथ सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगा। आपने अपनी बुक सामने रख लेनी है और जो जो से शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको एक्सरसाइज के बताऊंगा आपने उस पर निशान लगा लेना है, और इंशाल्लाह यही शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और जब आपका पेपर सामने आएगा आपने मुझे सारी दुआएं देनी है। तो आपके पास यहाँ पे 11 चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के शेयर कर देता हूँ। जिन पे सर्कल और इंपॉर्टेंट लिखा होगा वो वाले सवाल आपने लाजमी करने हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास मेयरमेंट्स, मेयरमेंट्स की एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास मेयरमेंट्स की एक्सरसाइज हो रही है, तो मैं इसको फोकस कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। इसमें हमने करना है 1.2 वेरी इंपॉर्टेंट, 1.3, 1.6, 1.7 और 1.8। जिन पे मैंने निशान लगाया हुआ है सर्कल और इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है वो सवाल आपने लाजमी करके जाने हैं। 10 से 15 साल के पेपर्स में ये सवाल बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर अब बाकी सवाल आप लोग स्किप करना भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फिजिक्स के 11th क्लास के इंपॉर्टेंट 10 से 20 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगा जो हर साल हर बोर्ड में रिपीट होते हैं। अगर आप वो लॉन्ग क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपका जो पेपर होगा ना लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। और आपके साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी शेयर करूंगा, और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं कि कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का ज़्यादा चांस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज के हैं उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपने करना है 2.1 वेरी इंपॉर्टेंट, 2.2 वेरी इंपॉर्टेंट, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 और 2.11। अपनी बुक पर साथ साथ निशान लगाते जाएं, ये वाले सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे 2.13 करना है और 2.15 करना है, बाकी सवाल आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 2.18 इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, 2.20 और 2.21, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं सेकेंड चैप्टर्स के वैक्टर्स वाले के। चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, मोशन एंड फोर्स, इसके जो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के उस पर चलते हैं। इसमें आपने इसके आपके सवाल 13 सवाल हैं तकरीबन, ठीक है, 13 सवालों में से आपने 3.1 करना है। फोकस कर देता हूँ ताकि क्लियर नज़र आ जाए आपको। 3.1 करना है, 3.2 करना है, 3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.12 और 3.13, बाकी सवालों को आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग टॉपर स्टूडेंट हैं तो आप लोग सारे सवाल भी एक्सरसाइज के कर सकते हैं। अगर आप लोग एक्सरसाइज के सवाल सारे कर लेते हैं ना तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के जो होगा ना पोर्शन वो अटेम्प्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फिर आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने दोनों चीज़ें करनी है तो फिर चॉइस वाली कर लें, लेकिन अगर आपने एक चीज़ करनी है तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप सारे कर लेते हैं ना तो आपके ईजिली 8-8 अटैम्प्ट हो जाएंगे। बाकी जो 4 होते हैं वो अगर एक्सरसाइज या डेफिनेशन आ भी जाती हैं तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों का ये सवाल होता है ना कि हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करके हमारा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर यही है कि आपका पेपर जी हो जाएगा बच्चे। आप लोग एक्सरसाइज के अगर सारे कर लेते हैं तो इजीली आपका पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा 2024 का, और आने वाले सालों में भी ज़्यादा एक्सरसाइज के सवाल ही रिपीट होते हैं। तो इसके 4 चैप्टर के आपने 4.2 करने हैं, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 सवाल आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर 4 वाला हो गया, 5 वाले पे चलते हैं। 5 वाले का नेम क्या है, सर्कुलर मोशन। ये जो पेजेस है ना ये मैंने एम डी कैट के लिए लगाए हुए हैं, तो आपने इन पे फोकस नहीं करना, मैं सिर्फ आपके साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर कर रहा हूँ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सर्कुलर मोशन के एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसके आपके पास 12 सवाल हैं एक्सरसाइज में, 12 नहीं है 13 हैं। इसमें से आपने करना है 5.2 सवाल करना है, 5.3 करना है, 5.4 करना है, 5 करना है, 6 करना है और 9 करना है और 11th करना है। ये वाले सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं एक्सरसाइज के, हर साल रिपीट होते हैं ज़्यादातर ऑल पंजाब बोर्ड्स में। चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स, इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपके साथ अब शेयर कर देते हैं। इसमें आपने करना है 6.1, 6.2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, बाकी 3 सवाल हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हैं, 6.12, 6.7 और 6.8
11 6.11, तो ये सवाल आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग सारे सवाल इस चैप्टर के कर लें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। तीन सवाल अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन के आपके जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। इसमें आपके पास 13 इंपॉर्टेंट हैं, मतलब 13 टोटल हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट आपने पहले तीन करने हैं 7.1, 2, 3, फिर 4 भी करना है, 5 भी करना है, 6 भी करना है, 7 भी करना है, 8 भी करना है, 9 भी करना है, और लास्ट पे आपने 13 करना है। बाकी दो तीन सवाल 10 11 12 को आप लोग स्किप कर सकते हैं, बाकी सारे सवाल आपने करके जाने हैं और सारे सवाल ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चैप्टर वेव्स पे चलते हैं, वेव की एक्सरसाइज पे चलते हैं। वेव की एक्सरसाइज में आपके पास जो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 8.1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके बाद 8.5, 6, 7 और 8.10, ये चार पांच सवाल हैं, ये वाले आपने लाजमी करके जाने हैं। जिन पर निशान लगा हुआ है अपनी बुक पे भी आप लोग लाजमी निशान लगा लें। इसके लिए आप लोग स्कॉलर के नोट्स फॉलो कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छे मार्क्स लिखे होते हैं, और फिजिक्स के हर आंसर में आपने रीज़न भी देनी होती है, और अगर किसी सवाल की डायग्राम बनती है तो लाजमी डायग्राम बनाएं, फिर आपको दो में से दो नंबर पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है फिजिकल ऑप्टिक्स, इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें आपने करने हैं 9.1, 9.3, 9.4, नेक्स्ट पेज पे आपने 9.5, 9.6, 9.7, 9.9, 10 और 11, ये आपके पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं 9 चैप्टर के। 10th चैप्टर के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्सरसाइज पे अब चलते हैं और आपके साथ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करते हैं। यहाँ से इसके लास्ट से स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आपने करना है 10.1 करना है, 10.3 करना है, 2 और 4 नहीं करना। उसके बाद आपके पास 10.6 इंपॉर्टेंट है, 10.10 और 10.11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। 5 से 10 साल के पेपर उठा के देखें, 5 पेपर्स के, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि ये सवाल कितनी दफ़ा रिपीट हो चुके हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स लास्ट चैप्टर है, इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा वाले भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, एवरेज स्टूडेंट्स के लॉन्ग क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे, तो आप लोगों ने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं। इसमें आपके पास 11.1, 11.2 और 11.5, 6, 7, 8 ये चारों आपने करने हैं, उसके बाद आपके पास कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 बल्कि ये वाला नहीं करना, ये भी नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सवाल आपने 11th चैप्टर के करने हैं। तो ये आपके पास 11th क्लास की जो फिजिक्स की बुक थी उसके एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे साथ एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर दें, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कर दिया करें। एक कमेंट से आप लोगों अगर करते हैं ना तो मेरी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप लोग गेस्ट पेपर्स को बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 3164838102 पे मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को भी बाय कर सकते हैं, और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हर वीडियो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आएगा आपके पास, तो आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस कर लेनी है। अपने भाई को अपनी दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।